ओके, वेलकम डॉक्टर नीलोफर मैम। और आज हमारी वेबिनार के पहले वाली क्लास है, तो कुछ विशेष मिलेगा। बस इतने सारे केसेस आपने देखे हैं नीलोफर मैडम के, और इतने सारे वीडियोस आपने देखे हैं, और उनमें से कुछ क्रीम चीज जो मिलने वाली है वो वेबिनार पे मिलने वाली है। तो वेबिनार ज्वाइन करें और आज के केस को सीखें, कुछ अच्छा है कुछ अलग है। वेलकम मैडम। तो ये एक 33 इयर्स फीमेल केस है मेरे पास। वो अपने बच्चे के एनलार्ज एडिनोइड्स के लिए ट्रीटमेंट करती थी और बच्चा ठीक हो गया उनका। तो फिर उसने एक बार रिपोर्ट्स लेके आई और मुझे बताने लगी कि देखो ये मेरे सोनोग्राफी के रिपोर्ट्स है। 1-6-7 महीने या 5-6 महीने कुछ मुझे मेंसेस की तकलीफ होती है, ब्लीडिंग ज्यादा होता है और मुझे पाइल्स की भी तकलीफ है, हेमोराइड्स थे उसको। तो फिर मैंने फिर देखा तो कुछ फ्यू सिस्ट थे उसके रिपोर्ट्स में। तो फिर मैंने बोला फिर क्या ट्रीटमेंट ले रहे, तो बोला कि मैं एलोपैथिक ले रही हूँ पर क्या हो रहा है कि इसकी वजह से मुझे पाइल्स की ज्यादा ही तकलीफ बढ़ रही है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, मतलब कुछ दवाई लूँ, कुछ होता होगा तो देखो, नहीं तो फिर निकालने का सोच रही हूँ मैं यूट्रस में। मैंने बोला क्यों, इतना मेजर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों निकाल रहे हो? तो बोले जाने दो ना, एक बार निकल जाएगा तो टेंशन नहीं। तो फिर मैंने उसको मतलब वो बच्चे के साथ आती थी तो शी वॉज लाइक वेरी वेल ड्रेस्ड और अच्छे सी वॉच वगैरह हाथ में, और कॉन्जर्वेटिव फैमिली से थी। हस्बैंड वॉज लाइक टिपिकल रिलीजियस पर्सन, जैसे देखने के बाद में एकदम ऐसे जो एक ये रहता है मुस्लिम्स में कैसे अटायर वगैरह, एकदम शांत स्वभाव और ये बबली सी हंसने वाली ऐसी। तो ये जब बैठी तो ये जब बात कर रही थी तो ये बच्चे के लिए भी इतना कुछ उसको स्ट्रेस नहीं था। जब मेडिसिन लिया तो उसने बोला इसको बहुत स्टीरॉयड्स और ये सब थे, साल से इसको 1 साल से तकलीफ थी वगैरह। उसने सब जब बोला तो आई हैड सम मतलब कुछ आइडिया था उसके पर्सनैलिटी के बारे में। तो ऑन दैट मैंने उसको लाइट डिजायर और नाइव और कम्युनिकेटिव लेके मैंने उसको फॉस्फरस दिया था फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। तो आफ्टर फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन जब वो 8 दिन से आई तो उसने बोला कि ठीक लग रहा है, और उसका कुछ पीरियड्स का डेट था तो शी डिड नॉट हैव दैट मच डिसमेनोरिया। तो उसने बोला हाँ पीरियड्स में तो ठीक है पर पाइल्स की तकलीफ ऑन एंड ऑफ हो ही रही है, मतलब 1-8 दिन ठीक था पर और 2-3 दिन तकलीफ हुई। तो अब क्या करूं? और फिर एक दो फॉलोअप्स भी बच्चे के साथ आती थी तो उसने कुछ बोला तो मैंने फास्फोरस की एक दो पोटेंसिस चेंज करा के दे दिए उसको। तो शी वॉज अ बिट बेटर बट नॉट टू द मार्क। तो मैंने मीन्स जब मैं 2-4 बार उसके साथ इंटरेक्शन हुआ तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये लाइट डिजायर है इसमें पर ये ना फॉस्फरस लग रही है ना बेलाडोना लग रही है। तो आई वॉज लाइक ये कुछ है, मतलब ये कुछ अलग रेमेडी है। तो मेरा चल रहा था तो ये फिर कुछ दिनों के बाद में ये मतलब उस बच्चे का ट्रीटमेंट, तो वो बच्चा ठीक हो गया उसका। तो फिर शी डिड नॉट कम, तो फॉस्फरस के पोटेंसिस कुछ वेकेशंस चल रहे थे तो वो मेडिसिन लेके गई थी साथ में। उसके बाद 7 to 8 months शी डिड नॉट टर्न अप। तो मैं सोची क्या पता, मतलब लाइट वाली है बंदी तो चलो इसको ठीक लग रहा होगा, तो ये आई नहीं है। फिर एक बार उसके बच्चे को उन्होंने ट्रीटमेंट कहीं पे, उसकी दादी जैसे उस बच्चे को कुछ ठंड के वक्त में कुछ तकलीफ हो गई तो उन्होंने उसको कोई एलोपैथ के पास लेके गए, पीडियाट्रिक पीडियाट्रिशियन के पास में। और मतलब बहुत वो दादी ने ये किया कि अरे उसको सर्दी वापस हो गई, कैसी दवाई लिए उसको लेके जाओ। तो अगेन दे वेंट एंड दे डिड नॉट कंटिन्यू ट्रीटमेंट। तो फिर बाद में जब 1 महीना वो बच्चे को स्टेरॉइड्स वगैरह स्टार्ट हो गए तो फिर उसको बहुत ही तकलीफ होने लगी। तो वापस मेरे पास उसके फादर लेके आए, बोले नहीं मैम के पास से ही दवाई लेनी है। तो फिर ये लेडी उनके साथ आई तो मैंने उसको पूछा कि अरे कहाँ गायब थे? तो उन्होंने ऐसे ऐसे बोला कि वो दादी की जिद की वजह से हम उसको लेके गए पर वो तो पूरा ही डल हो गया वो बच्चे में, फिर जितना इम्प्रूवमेंट था वो रिवर्स हो रहा था। तो फिर हमने सोचा कि नहीं अब आपके पास ही आना है। तो उसने फिर मुझे बताया कि देखो ना मेरा भी पाई, तो मैंने उनको पूछा कि आपका कैसे है? तो वो हंसी और बोली कर दिया ना ऑपरेशन मैंने। मैंने बोला क्यों? तो बोली थोड़ी थोड़ी तकलीफ हो रही थी बीच में तो करके डाला, जाने दो ना क्यों झिकझिक चाहिए। तो मैं बोली अरे पर इतना नहीं था ना सिवियरिटी, तो आपने रुकना चाहिए था थोड़े दिन। बोली जाने दो क्या है। और फिर
बाकी तकलीफ कैसी है? तो उसने स्किन का कुछ इन्फेक्शन बोला था, जैसे उसको मिडिल फिंगर और लिटिल फिंगर, ये जो तीन फिंगर्स में उसको एलर्जी होता था, कुछ इचिंग वगैरह, तो कुछ सोप्स की या कुछ एलर्जी थी। तो वो बोलती थी मेरे को बहुत इचिंग होता है और वहां पे ऐसे इरप्शंस भी आ जाते। तो फिर मैंने बोला इसके लिए क्या किया, तो बोली हाँ वो तो है, देखो अभी भी ऑन एंड ऑफ होता रहता है और वो हेमोराइड्स का भी है और वो भी तकलीफ होती रहती। तो मैंने बोली उसके लिए कुछ, अब कितना भी करो तो वो चल रहा है सब, पर मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो अभी कुछ दो। तो मैंने जो मेरी रेमेडी आई थी, मेरे दिमाग में कुछ था तो मैंने वो मंगाई थी, और वो मेडिसिन मेरे पास ये जब बोली तो अवेलेबल था, तो आई गेव हर अ डोज। और उसके बच्चे के साथ में सेकेंड डे शी कॉल्ड अप, आज मतलब आज लेके गई और वेरी सेकेंड डे मॉर्निंग शी कॉल्ड अप, और उसने बोला कि अरे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा वो इचिंग जो था फिंगर्स में वो भी पूरा 100% गया है, और पाइल्स का भी तकलीफ जो हो रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था, वो भी बंद हो गया, एंड आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश और बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये केस था। तो मैंने उनको बोला देखो रुके रहते थोड़े दिन तो ये ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, पहले जाने दो, अब निकाल दिया। शी वॉज लाइक शी स्माइल्ड एंड हैप्पीली उसने बोल दिया, मतलब ऐसे कुछ स्ट्रेस नहीं था या कोई रिग्रेट नहीं था या उस चीज के बारे में, मतलब उसको कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं था कि हिस्टरेक्टॉमी एट द एज ऑफ 33। आई वॉज लाइक कन्विंसिंग हर मेनी टाइम्स, बट उसको वो नहीं चाहिए था। तो एक्चुअली फैमिली में कैसे था कि मैं जब मैंने उसको पूछा था कि हाउ यू कोप अप विद दिस, मतलब जब पेन्स होता है या पीरियड्स में तकलीफ होती है तो आप कैसे, तो बोली मैं सो जाती हूँ, मुझे बहुत दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, मैं रेस्ट ले लेती हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं हस्बैंड को बोल देती हूँ फूड ऑर्डर करा लो या कुछ पार्सल लेके आओ बाहर से, मैं खाना नहीं बना सकती हूँ आज। तो मैंने बोला हाँ तो ये लेके आते। तो हस्बैंड वाज आल्सो वेरी माइल्ड एंड एकदम एक ऑरम टाइप पर्सनालिटी है हस्बैंड की, तो ही वाज लाइक स्माइलिंग, तो वो अब इसको तकलीफ होती है तो लेके आते ऐसे। तो वेरी नाइस रिलेशन द हस्बैंड वाइफ हैव। तो मैंने फिर उसको पूछा तो बोली कि मेरे घर पे मेरी सास ससुर ये दो, मतलब हस्बैंड वाइफ और उनके दो बच्चे हैं, और मेरी एक ननद आई है, शी हैड सम फाइट विद हर हस्बैंड और वो वापस आई है और वो वापस जाने का नाम नहीं ले रही है, उसके दो बच्चे, तो इन सब का ये लेडी को काम करना पड़ता है। तो जब ये बीमार होती है तो फिर ये सब छोड़ देती है, बोलती है तुम कुछ भी करो मैं तो नहीं करने वाली हूँ, तुम मंगाओ कुछ भी बाहर से। तो ऑब्वियसली हस्बैंड इज द ओनली पर्सन तो ही हैज टू डू ऑल थिंग्स। और वो बोलती है कि सास बीमार रहती है, उनकी भी फिजिकल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है तो वो उनसे काम नहीं होता है। तो ऑन ऑल दिस पॉइंट्स मुझे एक रेमेडी दिमाग में आई, मैंने फर्स्ट मेडिसिन उसको फर्स्ट दिया था बट उनको बहुत पार्शियल रिजल्ट था, मतलब ठीक डिसमेनोरिया थोड़ा कम हो गया था, बट वो जो एक कंसर्न था ना कि अब मुझे हिस्टेक्टॉमी करानी है या आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस, बस अब नहीं चाहिए ना ये झिकझिक, नहीं चाहिए, दर्द होता है पाइल्स, मतलब अगर मैं डिसमेनोरिया के लिए या सिस्ट के लिए मेडिसिन ले रही हूँ तो अगेन आई हैव टू गो थ्रू दैट हेमोराइड्स और अगेन आई एम सफरिंग, तो ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, तो ये चाहिए ही नहीं, इसलिए शी वांटेड टू गो फॉर हिस्टरेक्टॉमी, ऑप्ट फॉर हिस्टरेक्टॉमी। अब मैंने अभी तक मेडिसिन बताई नहीं है, फॉस्फरस मैंने 200 में दिया था, देन शी वॉज बेटर बट ऑन एंड ऑफ हो रहे थे, तो 6 ही कंटिन्यू किया था कुछ दिन, तो इट वॉज लाइक 40-50% शी वॉज फाइन, बट उसको पूरी तरह से मीन्स आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ द रिजल्ट और जो मुझे दिख रहा था सामने, आई वॉज नोइंग कि ये फॉस्फरस नहीं है, ये कुछ अलग चीज है, बट वो मुझे जब स्ट्राइक हुआ तो मेरे पास वो मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं था, तो ऑलमोस्ट मुझे 5-6 महीने लग गए वो मेडिसिन प्रोक्योर करने में, और तब तक वो बेचारी हिस्टरेक्टॉमी करा चुकी थी। तो मैंने जब मीन्स आई फेल्ट बैड कि आई कुड हैव डन, बट मैंने उनको बहुत बार कन्विंस भी कराया था, जब मेडिसिन आई तो शी वॉज नॉट कम, शी हैड नॉट कम फॉर ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स, तो उस वक्त उस बीच में उन्होंने हिस्टरेक्टॉमी कराई थी। तो मैंने बाद में बोला तो तभी भी उनको इतना कुछ लगा नहीं, शी टोल्ड जाने तो नब कर दिया, तकलीफ हो रही थी तो कर दिया। तो कोई बोलना चाहेगा या शैल आई टेल? एक चीज तो एक ऑब्जर्वेशन हुआ है कि वो बिल्कुल भी सीरियस काइंड की लड़की नहीं थी, बिल्कुल। तो मैं वो सोच रही थी कि फ्रिवोलस लेना चाहिए या लाइट डिजायर लेना चाहिए, लाइक
दो तीन चीज है, मतलब आसपास घूमती है कि फ्यूरलेस रहना चाहिए या नहीं, एक क्वेश्चन आता है। यस एग्जैक्टली, एक्चुअली क्या है, फ्रिवोलस में उस चीज को लेके सीरियसनेस नहीं रहता है ना, बट यहाँ पे उस चीज को लेके ही सब सोचे इसकी, शी इज थिंकिंग अबाउट दैट ना, शी वॉन्ट्स टू गेट दैट थिंग आउट, मतलब बस अब ये नहीं चाहिए, बर्डन नहीं लेना चाहती। तो दिस इज टोटली लाइट डिजायर, मैंने थ्रू एंड थ्रू लाइट डिजायर ये रूब्रिक कभी छोड़ा ही नहीं। ये केस में जब वो आती थी, अब सी हर हस्बैंड वाज लाइक टिपिकल कंजर्वेटिव फैमिली, एकदम एक अलग से अटायर में, उसका बच्चा भी वैसे ही था जैसा उसका हस्बैंड है, तो शी यूज टू कम विद अ फैंसी वॉच और वो बुरखा वगैरह का जो स्ट्रिप रहता था, दैट वाज आल्सो लाइक वेरी इसका जैसे एक अट्रैक्टिव कुछ अलग से, और उसकी आंखें जैसे वो बात करती थी तो इट वॉज लाइक सो बबली टाइप। तो मैं बोलती थी कि ये आप घर पे कैसे रहते हो, बोले हाँ ना मेरे को बहुत बोर होता है ये सब लोगों में, ये यहाँ पे कोई बात करने के लिए नहीं रहता है। तो व्हेन आई डिग्ड इनटू हर चाइल्डहुड एंड ऑल, तो शी टोल्ड मी कि बहुत आराम से चाइल्डहुड था, मतलब बहुत हम दो चार भाई बहने थे, मेरा कभी किसी से ज्यादा झगड़ा नहीं, जो मिला हम मतलब जिद भी करती थी नहीं तो नहीं, हाँ हाँ, ज्यादा टेंशन नहीं लेती थी कभी, तो बचपन से ऐसी हूँ मैं। और एक चीज, अभी अभी रिसेंटली शी हैड कम, शी इज ऑलमोस्ट फाइन, बट वो वेकेशन के लिए जा रही थी, तो उसके बच्चे के लिए शी हैड कम फॉर मेडिसिन फॉलो अप के लिए, क्योंकि उन्होंने बीच में डिसकंटिन्यू किया, तो उसको अभी विंटर सीजन स्टार्ट के वक्त प्रिकॉशन के लिए हर हस्बैंड टोल्ड बिफोर गोइंग गांव को जाने के पहले मेडिसिन लेके जाना। तो शी केम और उसने बोला कि देखो ना ये तो ऐसा है बिल्कुल अब्बा के जैसा है, तो ये बोल रहा है पटाखे नहीं फोड़ना है, तो मेरी मुसीबत कर दी ना इसने। मैंने बोला क्यों पटाखे फोड़ना चाहिए ना दिवाली में, तो शी वॉज लाइक आई थॉट कि अरे 33-34 इयर्स की फीमेल है, शी वॉज टॉकिंग लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, एंड वो बच्चा था कि नहीं पटाखे वगैरह नहीं फोड़ना चाहिए, पॉल्यूशन होता है, फिर ऐसे नहीं चलता है, नहीं उड़ाना चाहिए पटाखे। तो आई वॉज लाइक ये रेमेडी बिल्कुल, मतलब इट वॉज अ परफेक्ट शॉट फॉर मी। तो ये चाइल्डिश बिहेवियर भी एक था राइट उसमें, तो ये ले सकते ये लाइट डिजायर ही है, चाइल्डिश से ज्यादा इसमें ना ये बिंदास रह रही है ना, बिल्कुल लाइट है, मतलब इतनी लाइट है कि बेलाडोना के से बहुत मतलब व्हाट वी कैन, बेलाडोना इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ हर, ऐसे इतना लाइट है इसको, लाइट डिजायर मीन्स बेलाडोना रहती तो शी वुड हैव नॉट हैव ऑप्टेड फॉर सर्जरी, उसका फर्स्ट से तो ये नहीं रहता ना कि मैं सर्जरी कराती चीजों से, ये तो बेलाडोना आना चाहिए दिमाग में ऑन लाइट डिजायर, बट बेलाडोना का लाइट इफ शी फील्स बेटर तो वो सोचेगी नहीं ना आगे, तो ये कैलकुलेट उसने कैसे किए, चलो मैं अगर डिसमेनोरिया के लिए ले रही हूँ तो मुझे हेमोराइड्स की तकलीफ हो रही है या स्किन का, तो शी हैड फॉरगॉटन, दो फॉलोअप्स के बाद उसको याद आया कि मुझे स्किन के बारे में कुछ बोलना था, तो देखो कितना लाइट है, मतलब जो तकरार जो तकलीफ है उसके बारे में सोच रही है, तो चाइल्डिश से ज्यादा शी इज नॉट कंसर्न, उसको बर्डन लेना ही नहीं, कोई चीज का बर्डन नहीं लेना है। और अब व्हेन आई थॉट अबाउट कि ये क्यों ऐसे रहेगी, तो आई कुड फील कि बचपन से ये बिल्कुल लाइट रही है, अब यहाँ पे इतनी बड़ी फैमिली, शी इज द ओनली बहू, तो इसको सब करना पड़ रहा है ना, तो शी इज सफरिंग, व्हाई देयर आर हेमोराइड्स, क्यों इतना इतना, हस्बैंड इज सो केयरिंग, तो आई आस्क्ड अबाउट दैट ऑल्सो, बट हस्बैंड के साथ भी रिलेशन अच्छा है, बट शी डज नॉट वॉन्ट टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब जहां तक इसकी कैपेसिटी है उसके आगे अगर इसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई तो शी गोज इन टू ट्रबल, तो यहाँ पे इतना लाइट डिजायर है यहाँ पे। तो मैंने फिर लाइट डिजायर ये रूब्रिक आई वेंट थ्रू एंड आई केम अक्रॉस स्पेक्ट्रम, एक्चुअली महाड़िक सर ने ये रेमेडी एक हेलो महाड़िक सर ने एक वीडियो क्लिप के साथ में हमको एक बार ये रेमेडी के लिए पूछा था, तो वी कुड नॉट क्रैक, मतलब हम फॉस्फरस जेलसीमियम वगैरह जैसे वो लॉकडाउन के दरमियान लेडीज थे कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी या आप झाड़ू पोछा कर लो तब तक मैं कुछ बनाऊंगी, ऐसे था कि बर्डन नहीं लेना चाहती थी, तो ऐसे कुछ वीडियो था, और वहां पे आई हैड गॉट द फील कि ये बंदी इतनी लाइट रहती कि इसको कोई टेंशन ही नहीं लेना है, बर्डन लेना नहीं, बर्डन जहां पे इसको लगेगा कि दिस इज अ बर्डन वहां पे शी स्टॉप्स। तो द रेमेडी गिवन वाज स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम मुझे जल्दी मिली नहीं मेडिसिन,
30 to 101 impotencies मैंने मंगाई थी, but afterwards when she came for her skin ailments and her hemorrhoids, तब मैंने उनको 200 में एक stat dose and एक water dose दिया था. उसके बाद she did not need any repetition. तो श्वेता मैम ने सही से रेमेडी क्रैक किया था कि इट इज स्पेक्ट्रम. तो स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम के बारे में और कुछ डाउट्स है, और एल्स आई विल प्रोसीड. मैम लाइट डिजायर के अलावा आपने क्या क्या? हाँ बता रही हूँ मैं. देखो अब लाइट डिजायर के साथ साथ है ना, शी डज नॉट वॉन्ट टू टेक एनी बर्डन ना. सी नाउ सिस्टर इन लॉ घर पे है. अब शी डिड नॉट स्पीक मच क्योंकि स्पेक्ट्रम में क्वारलिंग अवर्जन है. स्पेक्ट्रम डज नॉट लाइक टू क्वारल और ये कुछ बोल नहीं सकती है. उसकी सिस्टर इन लॉ इज नॉट गोइंग बैक. तो ये एज अ बर्डन हस्बैंड के ऊपर है. इसको काम का बर्डन है हस्बैंड के ऊपर. फाइनेंशियली इज ऑल्सो बर्डन बिकॉज ऑफ इसकी सिस्टर इन लॉ. तो कैसे है कि ये बर्डन लेना नहीं चाहती, क्वारल भी नहीं कर सकती, जोर से बोलती भी नहीं है क्योंकि शी डज नॉट वॉन्ट द एटमोसफियर टू बी डिस्टर्ब. मतलब अच्छा एटमोसफियर चाहिए घर पे. तो इसलिए ये क्या चाहती है कि चलो अपना आपको वहां पे संभाल लेती है या लाइट में रहना पसंद करती है. तो फिर स्पेक्ट्रम मुझे ऐसे लगा कि उसने जब बचपन के बारे में या कुछ बोला, तो जैसे एक बच्चा रहता है कि विथ ऑल लॉट ऑफ ड्रीम्स, और यहाँ पे कैसे था, इतने सब फैमिली का बर्डन, शी इज द ओनली बहू और बच्चा बीमार. तो ऑब्वियसली शी हैज टू टेक केयर ऑफ हर चाइल्ड. उसके बीमारी के बारे में भी उसको फिक्र करना पड़ता है और प्लस घर की सब जिम्मेदारी. और जब उसने बोला कि मैं ऑर्डर करा लेती हूँ खाना, तो देखो जनरली इफ अ फीमेल एवरी मंथ इफ शी हैज डिसमेनोरिया, शी वॉन्ट, और वेन एवर शी सफरिंग फ्रॉम सम एलिमेंट्स, शी वॉन्ट ऑप्ट फॉर ऑर्डरिंग फूड. मतलब जैसे, और हस्बैंड इतना कॉन्जर्वेटिव है, तो आई वॉज लाइक ये जोड़ी कैसी है ना. ये बोलती है, ये बोलते हैं ना सब, पर मैं इतना दिल पे नहीं लेती हूँ. ये मेरे को बोलते रहते हैं नमाज के लिए, मैं पढ़ती हूँ बट थोड़ा जितना मेरे से होगा. तो देखो हर इसका लाइट डिजायर इतना है कि ये ज्यादा किसी को, जहां पे इसको बर्डन सम लगेगा शी स्टॉप्स दैट थिंग. किसी से झगड़ा नहीं करेगी, ना नहीं बोलेगी. शी डज नॉट लाइक टू हर्ट एनीवन. तो ऑन दैट थिंग, मतलब उसका नेचर जैसे एक फॉस्फरस का फील आ रहा था मुझे फर्स्ट, बट देन व्हेन आई डिग्ड इनटू देन, तो मुझे लगा कि ये फॉस्फरस से कुछ अलग है, इसलिए आई केम टू स्पेक्ट्रम. तो रूब्रिक वाइज अगर जाओ तो देर आर नॉट मच रूब्रिक्स, बट देन वो एक फील था कि इतना कितना लाइट रहना चाहती है ना. क्योंकि मैंने उसको कन्विंस किया था, शी वॉज रेडी कि हाँ मैं रुकती हूँ थोड़े दिन मेडिसिन आ जाने तक, बट आफ्टरवर्ड शी डिड नॉट टर्न अप. और 8 महीने के बाद जब आई तो हिस्टेक्टॉमी करा के आई, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा. कह रही क्यों तुमने कराए, छोड़ दो ना, जाने दो, अब निकाल दिया, टेंशन हो रहा था, मतलब तकलीफ हो रही थी. तो सो मच ऑफ लाइट कि वहां पे उसको वो भी बर्डन लग रहा था. और यूएसजी फाइंडिंग्स वर ऑल्सो नॉट मच ऐसे. तो स्पेक्ट्रम कैसे रहता है कि स्पेक्ट्रम इज अ मतलब स्पेक्ट्रम प्रिज्मेटिक इफेक्ट रहता है. जैसे हम कांच से लाइट देखते हैं, तो व्हाट रेज वी गेट दैट इज स्पेक्ट्रम. मींस इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेनबो, बिकॉज रेनबो नेचुरली हमको इट इज फॉर्मड इन द नेचर, वेयर अस स्पेक्ट्रम एक कांच से बनता है या इट इज आर्टिफिशियली लाइट सोर्स में. तो इसलिए स्पेक्ट्रम में कैसे रहता है कि देयर दे हैव लॉट ऑफ ड्रीम्स, मीन्स ड्रीम्स ऑफ 7 colors, जैसे 7 रंग के सपने से. और यहाँ पे कैसे हो जाता है कि जब इन पर बर्डन आ जाता है, जैसे अब शादी के पहले तक अलग था, अब शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, बाकी सब चीजें आ गई, तो नाउ शी हैज टू टेक ऑल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. और ये इतना लाइट बन दी है कि इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक बर्डन जब लगने चालू होगा, तो शी विल गो इन टू पैथोलॉजिस्ट. तो देन शी फील्स की डिल्यूजन हाउस इज ऑन फायर. मतलब अब जैसे अब सब आग लग गई, सब तहस नहस हो गया, मतलब मैंने क्या सपने देखे थे और मेरे सामने क्या आ गया. तो दैट्स वाई द फायर फीलिंग, जैसे कि अब जैसे वी कैन सी कि डिसमेनोरिया या कहीं पे उसको हेमोराइड्स है, वी कैन सी द पैथोलॉजीज आर ऑल्सो सिमिलर. सो इट इज लाइटेस्ट रेमेडी. दिस लाइट डिजायर बहुत मार्क्ड रहता है और कोई काम नहीं करना चाहती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती. और जब मतलब इसके सर पर जिम्मेदारी आती है, तब इसको ऐसे लग जाता है कि द वर्ल्ड इज ऑन फायर. देन सब जैसे उसको फील होता है कि सब जिम्मेदारियां मुझ पे ही आ रही है. सो अब मुझे मतलब आई कांट रेस्ट, या मुझे आराम नहीं मिल रहा है, आराम की जरूरत है. तो फिर देन
देन शे फियर्स ऑफ बिकमिंग मीन्स फियर ऑफ बिकमिंग बर्डन, वर्क उसका काम है या कुछ है ना, वो उसको ऐसे लगता है कि इट इज बिकमिंग अ बर्डन टू हर. देन वॉट हैपन्स, यहाँ पे स्पेक्ट्रम को झगड़ना या किसी को क्रॉस करना पसंद नहीं आता है. मीन्स देखो, यहाँ पे बेलाडोना होती तो शी वुड हैव फॉट विद हर हस्बैंड, या हस्बैंड बोल देता ना कि देखो ये जब पेन्स में रहती है तो बहुत झिझक करती है या इसको लाना ही पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं था. तो देर इज ह्यूमिलिटी, मतलब ये प्यार से काम निकालते हैं. जैसे स्पेक्ट्रम में अगर कोई चीज पसंद नहीं आई, दे विल स्माइलिंगली कीप इट असाइड. जैसे खाना है, किसी ने, जैसे ननन ने खाना बनाया है बट शी डज नॉट वॉन्ट टू इट, या सास ने बनाया है बट शी डज नॉट लाइक इट, तो वो डंप कर देगी और अपने आप चुपचाप से कहीं से ऑर्डर करा लेगी और खाएगी, झगड़ेगी नहीं. मतलब देखो, शी विल नॉट लाइक टू इंडल्ज इन एनी क्वारल्स, या किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहती, कोई वो झगड़े का भी टेंशन मोलना नहीं चाहती, वो भी बर्डन नहीं लेना चाहती. देन वॉन्ट्स टू बी लाइट ऑन ऑल सिचुएशंस, मतलब कोई भी चीज रहे, कोई भी बात रहे, इसको पूरा लाइट रहना है. देन हैंडल सिचुएशन बाय बींग हम्बल एंड लाइट. सो दिस इज इम्पॉन्ड्रेबिलिया, तो ये सोर्स ही ऐसा है कि इसे, दिस इज द लाइट टेस्ट. देन सो इज द पर्सनैलिटी इज ऑल्सो लाइट, प्लेजेंट फीलिंग रहता है, और यूनिफिकेशन सेंसेशन ऑफ, मतलब यहाँ पे भी कि जैसे दुखाना नहीं है किसी को, सबके साथ रहना है, सबको मिला के या सबको साथ लेके चलना है, बट अपनी तकलीफ की वजह से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है, कोई बर्डन लेना नहीं है. तो देखो, खुद की भी फिक्र है और आईपीआर मतलब जो सब है उनके लिए भी. तो क्लेयरवॉयंस रहता है, इंट्यूटिव रहता है, क्वारलिंग एवर्जन है. मीन्स क्वारलिंग एवर्जन की वजह से फिर जैसे आई टोल्ड कि अब इसको भी नहीं चाहिए खाना बनाना, नहीं, झगड़ती नहीं है घर पे, मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, तो शी वुड हैव फॉट ना कि तुम दोनों लेडीज है, तुम बना लो, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं क्यों बनाऊ. शी डिड नॉट क्वारल, ये सीधा हस्बैंड को बोल देती है खाना मंगा लो बाहर से, मैं नहीं बनाने वाली हूँ. और ये शी वॉज टेलिंग मी सो ऑनेस्टली ना, कितना सफाई उसने सच्चाई से सब बोल दिया. शी डिड नॉट हाइड एनीथिंग, और शी वॉज स्माइलिंग, शी वॉज लाफिंग, उसके हस्बैंड बाजू में बैठे थे, एंड ही वॉज ऑल्सो एग्रींग, मतलब वहां पे किसी, दैट्स व्हाई आई वॉज टेलिंग कि उनका दोनों का रिलेशन देखो, मीन्स हस्बैंड वॉज ऑल्सो नॉट कंप्लेनिंग अबाउट हर, भले ही कुछ परे, ही विल ऑल्सो बी फीलिंग लाइक दैट के चलो वाइफ मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ही हैज एक्सेप्टेड कि ये लाइट बन गई है, इसको कितना भी बोलो ये अपने तरीके से ही जीने वाली है, सो ही हैज एक्सेप्टेड. सो और ऑनेस्ट रहती है, सो जो दिल में है वही जुबान पे है, एंड डजंट वॉन्ट टू हर्ट एनी वन, एंड देर इज अ फियर ऑफ हर्टिंग अदर्स, सो शी डज नॉट लाइक टू क्वारल. लाइटनेस की वजह से ये सीरियसनेस नहीं है, सो आईपीआर ऑल्सो क्रिटिसाइजेस, मीन्स नॉट इन दिस केस, माइट बी मदर इन लॉ के साथ उसका कुछ बनता नहीं होगा या कुछ, दैट शी डिड नॉट मेंशन, और ऐसे कुछ नहीं था, बट इट कैन हैपन कि दे कैन गो इन टू फोर सेकेंड डिसअपॉइंटमेंट, फोर सेकेंड फीलिंग, ट्रैप्ड फीलिंग है, या अलोन एम्यूलेशन रहता है, मतलब ये सब अगर क्रिटिसाइज करे तो अरे क्यों झिकझिक लो, झगड़ा क्यों करो, उससे अपना 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 अलग से रहो ऐसे. और देन दे कैन फील कि डिल्यूजन इन्वेडेड वन स्पेस. देखो, अब रेट्रो करते वक्त आई कैन अंडरस्टैंड कि उसकी सिस्टर इन लॉ हैज कम इन हर हाउस, तो यहाँ पे भी है ना कि इनका जो एक फैमिली है कि चलो सास ससुर है, हस्बैंड वाइफ है और दो बच्चे, तो व्हेन द सिस्टर इन लॉ इज कम विद द टू किड्स, तो ये भी है ना कि ये घुस गई है ना घर पे, अब ये जाने का नाम नहीं ले रही है, तो डायरेक्टली इवन इफ शी हैज नॉट स्पोकन, बट कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चल रहा होगा ना कि अब ये घुस गई है घर पे और ये नहीं जा रही. शी टोल्ड मी ट्वाइस कि वो वापस जाने का नाम नहीं ले रही है. मीन्स यहाँ पे शी हैज दैट फीलिंग के शी हैज इन्वेडेड. सो दिस इज ऑल अबाउट स्पेक्ट्रम, ज्यादा कुछ नहीं था मटीरियल, बट दिस इज ऑल वॉट आई कुड फील. सो स्पेक्ट्रम जैसे इट इज अ ट्रांजिशन ऑफ रेन एंड सनशाइन, एंड सो गुड रेमेडी फॉर ट्रांजिशंस एंड मूविंग होम, मीन्स डेल्यूजन बॉर्न इन अ न्यू वर्ल्ड, ओवरवेल्म्ड विथ नॉवेल्टी ऑफ सराउंडिंग्स, मतलब जैसे इमीडिएट एब्जॉर्प्शन रहता है या ट्रांजिशन रहता है, सो वी कैन फाइंड दिस रेमेडीज इन सच केसेस. सो दिस इज ऑल अबाउट स्पेक्ट्रम फ्रॉम माई साइड. इफ एनी वन हैज एनी क्वेरीज या कुछ एड करना है तो प्लीज आप बोल सकते हो. हाँ, हेलो मैम, बहुत अच्छा केस था, न्यू रेमेडी थी. थैंक यू मैम. ये इसका सोर्स क्या है? इज इट इम्पॉन्ड्रेबिलिया, यानी व्हाट सोर्स इज दिस? इम्पॉन्ड्रेबिलिया बोला ना मैंने, इम्पॉन्ड्रेबिलिया. ओके ओके, इसलिए इसका एस्पेक्ट इतना क्लियर है उसकी पर्सनालिटी का भी. जैसे आपने बोला ना, वो बिल्कुल अच्छे से स्माइल करके बोल रही है, उसको जरा भी ये फीलिंग नहीं है ग्रज या गुस्सा वगैरह.
डोसेस मैंने बोला ना 200 का एक स्टैट डोज दिया एंड सेकेंड डे वाटर डोज दे दिया था, उसके बाद उनको जरूरत नहीं पड़ी कोई। जस्ट टोल्ड हर कि जो ग्लोबुल्स दिए थे वो जो डायरेक्टली लेने के बजाय एक एक मतलब जो 60 का ग्लोबुल रहता है, एक ग्लोबुल पानी में डाल के बस उसको डिजोल्व करके पी लेना है, या इफ इट इज नीडेड इन फ्रीक्वेंसीज तो 100 ml में वी कैन गिव लाइक दैट कि ग्लोबुल्स डिजोल्व करके 100 ml से एक टीस्पून का पानी, यू कैन टेक इन वन कप ऑफ वाटर एंड यू कैन गिव इट रिपीटेडली फॉर HS और जो भी आपको BID या जो भी रहेगा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। एक फील है मैम, कभी पढ़ा है मैंने, एक आर्टिकल में पढ़ा था, मैं शेयर करूंगी ग्रुप पे। वो केस में ऐसा था कि वो खुद को ओल्ड नहीं समझना चाहती, वो बहुत कुछ करना चाहती है एंड बट नॉट एबल टू डू बिकॉज ऑफ दोज जॉइंट पेन्स एंड ऑल। और ये लोग जो है वो ओल्ड नहीं समझते, डिल्यूजन ओल्ड मतलब वो ओल्ड नहीं होना चाहते या समझते नहीं ऐसे कुछ होता है। दे वॉन्ट्स टू डू लॉट मैनी थिंग्स बट नॉट एबल टू, ऐसे कुछ है उसमें। तो ये एक चीज समझनी थी मुझे स्पेक्ट्रम की। बिल्कुल, मतलब देखो ना 7 कलर्स है, तो दे ड्रीम सो मच, इतने सपने, बट इफ यू ड्रीम यू हैव टू अकम्प्लिश ना, उसको सपने पूरा करने के लिए यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स, और एफर्ट्स डालने के लिए मेहनत करना पड़ता है, और इनको मेहनत से प्रॉब्लम है, मतलब मेहनत जहाँ पे इनको बर्डन लगेगा यहाँ पे दे स्टॉप, तो अगेन दे विल फील कि अरे नहीं बस बाबा अपना नहीं करना है, अभी किसके बाद नहीं करना है। ओके ओके, वैरायटीज थिंग वैरायटी ऑफ थिंग्स वांट्स टू डू बहुत सारी चीजें बट वो जब बर्डन होती है देन दे सफर, ऐसा। ओके यस, मतलब आज चलो 2 लोगों का हम रोज खाना बनाते हैं, 4 लोग आ गए मेहमान, तो आज ठीक है एक हाथ बार एक कुछ नाश्ता बना दिया, बट इफ दे आर स्टेइंग, अगर ये लोग 8 दिन रहने वाले तो ये मेरे लिए बर्डन होगा, ये सोच रहती है ना उनकी। Yes. अब उसकी सिस्टर इन लॉ है, उसके 2 बच्चे, तो ऑब्वियसली बीइंग अ भाभी इसको बच्चों का ज्यादा करना होता रहेगा या वट एवर, तो मदर इन लॉ माइट बी ऑर्डरिंग, सिस्टर इन लॉ कुछ करती नहीं है, तो ऑब्वियसली 3 to 4 पर्सन और वट एवर शी हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल, और इसके हस्बैंड का पैसा जा रहा है, ये भी बात उसको अच्छा नहीं लग रही ना कि वो उसके सिस्टर इन लॉ वापिस नहीं जाती है, तो शी टोल्ड के वो नहीं जा रही है वापिस, तो ऐसे तो लाइट है ना, हर हर तरीके से लाइट है इसमें। एंजाइटी फ्यूचर या ऐसे कुछ है मैम? हाँ वो यस आई डो, मतलब मैं मेरे पास जितना मटेरियल था, नहीं नहीं मैंने एक बार पढ़ा है, मैं ढूंढती हूँ। यस बिकॉज ये कैसे कुछ रेमेडीज है कि बहुत जस्ट आई फेल्ट कि यार ये खाना बनाने का, और जब उसने बोला और वो हंसी तब मुझे ऐसे लगा कि अरे ये इतनी बिंदास्त है, तो वहां पे मुझे क्लिक हो गया कि शी स्पेक्ट्रम्स आई वेंट थ्रू द रूब्रिक्स, और क्वारलिंग अवर्जन है इसलिए ये खाना मंगा रही है, या झगड़ा करके उसने बनाने किया, मतलब किसी से बना के लिया रहता, सास को बोला रहता, सिस्टर इन लॉ से झगड़ा किया रहता, इट इज नॉट फाइटिंग एट ऑल। इन दिस केस देर वॉज अ पैथोलॉजी एंड देर वॉज नो सीरियसनेस। तो सिमिलर 25th को आई एम कमिंग विथ अ वेबिनार जहाँ पे वी विल बी डीलिंग विथ सम एंग्जाइटी केसेस, जहाँ पे पेशेंट लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड सेडेटिव्स या जो भी ट्रैंक्विलाइजर्स और एंटी डिप्रेसेंट्स पे है पर उनको कोई रिलीफ नहीं है, तो ऐसे टाइप के केसेस है वेर मोस्टली वी गो फॉर सम रेमेडीज विच आर इन आर रूटीन और डे टू डे प्रैक्टिस, बट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स कि जहाँ पे हमको रिजल्ट 100% नहीं आ रहे, तो आई विल बी ट्राइंग टू शेयर सच टाइप ऑफ केसेस जहाँ पे you can try with some new remedies, and Pavan sir bhi depression ki case discuss karne ja rahe hain 29th ko, so please enroll for the adhyayan 5th series. Uske sath kuch clinical achhi achhi tips main dunga, kuch achhi achhi tips madam dengi, bilkul जो डेली क्लिनिक में यूज होंगी आपके बहुत। और एंग्जाइटी या जब हम पैथोलॉजी सुनते हैं या जब पेशेंट्स कोई मोटी सी फाइल लेके आते हैं तो हम कैसे हम थोड़ा सा हिचकिचाते हैं या वी थिंक अरे इसको ऑलरेडी इतना सब है तो हम क्या कर सकते हैं, या हमसे वी क्वेश्चन आवरसेल्स और वी डाउट आवरसेल्स एक्चुअली इन सच केसेस, तो ऐसे कोई बात नहीं है, इफ हम अपनी तरफ से क्लियर है, हमारी थॉट प्रोसेस क्लियर है, तो वी कैन डेफिनेटली वर्क
अगर हम 100% कोई केसेस से इनक्यूरेबल है, 100% नहीं दे पाए, फिर भी वी कैन गिव रिलीफ एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट, जो उनके सफरिंग्स है, जो उनके सिम्टम्स है, उसमें आराम दे सकते. तो वी शुड नॉट गिव अप इन सच थिंग्स. सो ये एक ट्राई रहेगा मेरी तरफ से कि डिप्रेशन के लिए कैसे हैंडल करना है. आई विल बी टेकिंग हाउ टू टेलिंग हाउ टू मैनेज, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जस्ट आई विल बी शेयरिंग विद दैट. कौन सर का भी वही रहेगा कि सर विल बी ऑल्सो शेयरिंग अ केस एंड ही विल बी गिविंग टिप्स, क्लिनिकल टिप्स और मैनेजमेंट पार्ट ही विल बी शेयरिंग.